उपभोक्ताओं के बैंक खाते में आज से आई की एलपीजी सब्सिडी। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का विधिवत आगाज हो चुका है। सीएम गहलोत ने 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे लाभ का हस्तांतरण किया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दोपहर 12 बजे आयोजित होगा ये कार्यक्रम और इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 10 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, महंगाई राहत कैंपों पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन और जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्रियों के साथ ही विधायक, अधिकारी व योजना के लाभार्थी मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगातार सौगातों का पिटारा खुल रहा है पूरे प्रदेश भर में, ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन ये खास बात कि 74 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। उज्ज्वला बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध होगा। सौगातों का दिन है इसीलिए लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है। ये बड़ी सौगात है, राहत वाली योजनाएं लेकर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसी के तहत इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का आगाज आज विधिवत रूप से हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने ट्वीट जारी कर ये जानकारी दी कि आज इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के प्रथम चरण का प्रारंभ करूंगा, जिसके तहत 14 लाख लक्षित उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की जाएगी। हमारा लक्ष्य 74 लाख जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने का है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देख सकते हैं और ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, वैसे तो देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से सौगातों का पिटारा खुल रहा है, लेकिन आज ये बेहद खास दिन, बड़ी सौगात, लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 10 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की थी जिनका लाभ लेने के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं, उनमें से ये एक अहम घोषणा है जिसमें गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। आपको ध्यान होगा बजट पेश करने से पहले ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी थी जी। और लगातार लोगों ने जो है जो इसके योग्य हैं, जो पात्र है, उन रजिस्ट्रेशन भी कराया था। तो आज का जो कार्यक्रम है वो ये है कि जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है उन 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी जो सब्सिडी है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्योंकि अगर सिलेंडर की अगर हम बात करें तो करीब 1150 रुपए का सिलेंडर आता है, लेकिन जो उपभोक्ता है जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको सिर्फ 500 रुपए ही जो है वो देने होंगे, बाकी की जितनी भी राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। तो जो अंतर की राशि है वो सीधे आज से जो लाभार्थी है उनके खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हालांकि अभी ये संख्या कम है क्योंकि जो लक्ष्य है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा ट्वीट के माध्यम से भी, लक्ष्य जो है वो 76 लाख परिवार है। तो 76 लाख परिवार जो है जब इस लाभान्वित होंगे, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और भी रजिस्ट्रेशन होंगे, और इसमें एक जो बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये भी है कि जैसा राज्य सरकार की तरफ से पर कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना है यानी उनके आंकड़े पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही इनके आंकड़े मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो कैंप में हो रहे हैं उनके माध्यम से ही पता लग रहा है कि कौन परिवार जो है वो इसके लिए योग्य है। तो धीरे धीरे करके तमाम जो परिवार है उनको कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है, जो गैस सब्सिडी योजना है, ये महंगाई के इस दौर में जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनको राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने अनाउंस की थी। और अभी भी जो वंचित परिवार है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, चूंकि पूरे प्रदेश में कैंप लग रहे हैं और तो वहां जाके वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एक एक करके और भी जो विभिन्न योजना है उनकी जो टाइमलाइन तय की गई है पहले से ही कि किस जो 10 प्रमुख योजना की हम बात कर रहे हैं उनमें से तय किया गया है कि किस योजना का लाभ कब से मिलेगा। तो भविष्य में और भी इस तरह के जो लाभार्थी उत्सव है वो हमें देखने को मिलेंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अपने आवास से वर्चुअल तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे जी। और पूरे प्रदेश में तमाम जो जिले हैं वहां से भी तमाम लोग जुड़ेंगे, वहां पे जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। कुछ चुनिंदा जो महिलाएं हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है जिनके खातों में इस राशि स्थानांतरित होनी है वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और कई जो जनप्रतिनिधि है उनको भी बुलाया गया है। तो आज का जो दिन है वो काफी अहम है क्योंकि जिस तरह से
लगातार घोषणाओं के नाम पे सरकार पे आरोप भी लगे विपक्ष की तरफ से कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है या रेवड़ी बांटी जा रही है, तो उसका जवाब देने के उद्देश्य से भी संभवतया कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री का भाषण होगा तो बिल्कुल वो इस बात को दोहराएंगे कि ये जो योजना है ये चुनाव के मकसद से योजना नहीं है बल्कि स्थायी योजना है और इनको हमेशा लागू रखा जाएगा, इनका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो इस बात की संभावना है कि दायरा बढ़ाए और भी लोगों को जोड़ के राहत दी जाए। तो ये महत्वपूर्ण राहत है, बड़ी राहत है, क्योंकि 500 रुपए में अगर सिलेंडर मिलता है तो जो इन लोगों ने महंगाई के कारण से अधिक कीमत के कारण से गैस पे जो उनका यूज करना बंद कर दिया था वो एक बार फिर से उनका यूज कर पाएंगे। तो आज दोपहर 12 बजे का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पे रखा गया है। जी जी नरेश जी, क्योंकि ये अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि योजनाओं के बारे में जानकारी देनी और जिन जिन जो लाभार्थी हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी जानी चाहिए और जिनको लाभ मिल रहा है या मिलने वाला है वो उत्सव में मनाया जाना। दूसरी तरफ नरेश जी, ट्वीट के जरिए ये जानकारी देना कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो कांग्रेस के हैं, पार्टी के हैं, उन पर आप ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं कि जानकारी इन्फॉर्मेशन जो है वहां दी जाएगी, तो ये बेहद खास है क्योंकि ये अनोखा भी है और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने सहयोगियों के जरिए, विकास शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका भी रुख करेंगे। विकास, जैसे कि अपने सहयोगी नरेश जी से भी हम चर्चा कर रहे थे, सीएम गहलोत की बड़ी सौगात है और कितने एक्टिव यहां पर सीएम खुद हैं इन योजनाओं को लेकर, आपने भी देखा है, मतलब प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे होंगे और आज लाभार्थी उत्सव इस बात का पूरा संदेश है कि हाँ जनता तक ये लाभ पहुंच रहा है। विकास, आज देखिए बिल्कुल लाभार्थी उत्सव आज पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है और उसके तहत आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अंदर आयोजित होगा जिसमें कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो है उसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जो ये आगाज है राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें दोपहर 12 बजे से जिसमें की 14 लाख एलपीजी कंज्यूमर्स है उनके खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहली खेप जो है ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना के प्रति कितने गंभीर है इस बात का अंदाजा इस बात में कि 2 दिन पहले जब वो महंगाई राहत शिविर में गए थे तो वहां पर उन्होंने एक मैसेज दिया था सभी के लिए कि जो योजनाएं हैं उनको जिस तारीख जिस दिन से डिसाइड किया गया उसी दिन से पात्र लोगों को उसका फायदा मिलेगा और उसी का क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह सकते हैं कि संकल्पबद्ध है। यही देखते हुए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो योजना जिस दिन शुरू होनी है उसका लाभ उस दिन से प्राप्त हो। अगर बात करें एलपीजी सब्सिडी योजना की उसके साथ में और दूसरी योजनाओं की, तो देखिए जैसे बिजली योजना की बात करें, फ्री बिजली की बात करें तो 1 जून से ये फायदा मिलना था लेकिन एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना का दायरा बढ़ाया और साथ में प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री की। तो इस योजना के चलते कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई है जिसका क्रियान्वयन होने के साथ ही अब लगभग 102 दिन के अंदर बिलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसी तरह एलपीजी योजना की बात करें तो आज 14 लाख एलपीजी उपभोक्ता है उनके खाते में 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी है वो जारी की जाएगी। अगर बात करें अब इसमें अब तक की योजना की तो 22 लाख उपभोक्ता अप्रैल माह में रिफिल बुक कराया था और उनमें से 14 लाख जो कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने की पंजीकरण कराया था, तो इन 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में सोमवार को यानी कि आज सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। मात्र 500 रुपए के अंदर उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलेगा, उसके अलावा शेष सब्सिडी जो शेष राशि जो है उसका पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। जी बिल्कुल, और ये जो जिस तरीके से राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि जो भव्य तस्वीरें सामने आई है वो बेहद खास है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, कि यही वक्त है और किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा ये आज? देखिए बिल्कुल आज जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ जहाँ पे 10 से अधिक लाभार्थी से संवाद भी करेंगे और उसके साथ में जो राहत कैंप है उन राहत कैंपों के अलावा एलपीजी सब्सिडी योजना को लेकर के जो शॉर्ट फिल्म बनाई गई है उस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर के अलावा जो और दूसरे राज्य जिले हैं उन जिलों के अंदर भी लोग इस कार्यक्रम से कनेक्ट होंगे डीसी के जरिए और वहां से संवाद बताया जाएगा, उनसे बताया जाएगा सरकार की योजनाओं के लिए, सरकार की मंशा के लिए और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई जो देश भर में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है
उस महंगाई की मार को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, उन पर सीधा इफेक्ट कैसे पड़ेगा लोगों के जेब पर, उनके मार्केट पर, उसका असर जो है वो सीधा तौर पर आज के कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास।